ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आम लोगों की समस्याओं और न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को प्रदेश भर में जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वही मंडी जिला में सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटली क्षेत्र के राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आम लोगों की समस्याओं और न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर में जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मंडी जिला में सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटली क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनमंच की अध्यक्षता प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। जनमंच के दौरान सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 14 पंचायतों के लोगों ने पीने के पानी की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, पुल की समस्याएं जनमंच में प्रदेश सरकार के समक्ष रखी। वहीं IPH मंत्री ने अधिकांश समस्याओं के संदर्भ में समयबद्ध निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। IPH मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को ऑफिस के कमरों से बाहर निकलकर ग्राउंड लेवल पर विकास योजनाओं के निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं का लाभ प्रदेश की आम जनता को मिल सके। लेकिन वो केवल मात्र कोटली की बात नहीं, और जगह भी है, चरणबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे वहाँ पर MES की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चे जब पास आउट होंगे तो इन्हीं हॉस्पिटलों पर लगेंगे, इन्हीं हॉस्पिटलों पर लगेंगे। लेकिन भाई जहाँ अब आप एक पास हो ना, आप 70 साल का हिसाब किताब जो है वो एक साल में मांगे हैं, तो वो भी कैसे संभव हो सकता है? थोड़ा सा इंतजार करें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं तो लेटर लिख रहा हूँ सबको, ड्यूटियाँ लगा रहा हूँ सबकी। कोई ऑफिसर एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपने दफ्तर बैठेगा, बाकी 5 दिन जो है वो फील्ड में जाएगा। जिसको जो नहीं जाना चाहेगा वो बैठ जाएगा। मोदी जी ने लिए फैसले, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसले लिए हुए हैं कि जिसको नहीं रुचि सरकारी नौकरी ना, वो DRS होता है वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम है, आप उसको बोले उठा भाई नो वर्क तो नो पे क्या कर जाए, अपने घर चले जाए। मैं नहीं सुनना चाहता, आप जाइए SP साहब, आप जाइए वहाँ, देखिए इन लोगों से मिलिए, वहाँ क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पाइप दीजिए, आप मदद करना पाइप जोड़ देंगे। आप लोग सब पहले बहनों से कहूँगा, आप सब मदद करना, पाइपें देंगे, मदद करना, जोड़ो पाइपें और पानी चालू करो। इस टैंक बना हुआ है, स्कीम बनी हुई है, पानी मिल लेना है, किस लिए खर्च किया हमने कोई फोटो लेना टैंकों के।